नमस्कार, बनारसी थाली में मैं सिंपी अग्रहरी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंगफली की चटनी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए मूंगफली, लेमन जूस, घी, राई, साबुत लाल मिर्च, करी लीव और नमक। सबसे पहले हम मूंगफली को अच्छी तरह से भून लेते हैं। इसे ब्राउन होने तक भूनना है। जब इसका छिलका उतरने लगे तो समझ जाइए कि ये भुन चुका है। तो अब हम इसे खाली कर लेते हैं और इसका छिलका अच्छी तरह से उतार कर साफ कर लेते हैं। ये हमने साफ कर लिया है मूंगफली के दानों को। तो अब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे। 2 चम्मच लेमन जूस, नमक टेस्ट के अनुसार, करी लीफ, और अब हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च, 2 लहसुन की कलियां और 1 छोटा सा टुकड़ा अदरक का। थोड़ा सा पानी डालकर इसे हम पेस्ट बना लेते हैं। इसे थोड़ा पतला हम और कर लेते हैं। इसमें थोड़ा पानी डालते हैं, इसे फिर से पीस लेते हैं। अब इस चटनी को हम बाउल में खाली कर लेते हैं। अब हम इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। हमने घी लिया है, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल कोई भी ले सकते हैं। घी गर्म होने पे हम इसमें राई डालेंगे, साबुत लाल मिर्च और करी लीफ। यहाँ पे हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि ये चटकता है तो इसका छींटा कहीं भी पड़ सकता है, जो कि अच्छा नहीं होता। तो अब हम इसका तड़का लगा लेते हैं चटनी पर। इसे हम समोसे के साथ, डोसे के साथ और इडली के साथ भी खा सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।